ट्रस्ट को लेके एक कमेटी कल डिक्लेयर किया गया है और 400 साल बाद एक मंदिर बनने का सपना पूरा हो रहा है, आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नारायण, पहली बात यह है कि विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत में अयोध्या, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन राजधानी के रूप में उद्घोषित है, मनुपुत्र इक्ष्वाकु ने अपनी राजधानी अयोध्या को घोषित किया। भगवान श्री रामभद्र का वहाँ आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। बाबर के नाम पर वहाँ यदि 5 एकड़ भूमि किसी तंत्र को दी जाती है तो वह तंत्र स्वयं भी आतंकवादी और अराजकता को महिमा मंडित करने वाला सिद्ध होता है। देने में जिन तंत्रों का हाथ सिद्ध होता है वे सब के सब आतंकवाद और आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले सिद्ध होते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, यह तो इतिहास है कि हिरण्यकश्यपु सनातन वैदिक आर्य हिंदू कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु का अनुगमन नहीं किया। इसी प्रकार से रावण उत्तम कुल आर्य वंश में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसे सनातनियों ने, सन्मार्ग के पथिकों ने, मानवता के पक्षधरों ने आदर्श नहीं माना। कंस भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस समय के मनीषियों ने और आज तक हम लोगों ने कंस को आदर्श नहीं माना। बाबर को, जो कि आतंकवादी सिद्ध था, विश्व स्तर पर मानवता की धज्जी उड़ाकर उसने अराजकता फैलाई, हमारे प्रशस्त मानबिंदुओं को लांछित किया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उस व्यक्ति को, उसके अभियान को आतंकवाद और आतंकवादी के रूप में ख्यापित किया जाता, लेकिन अब उसे महिमा मंडित करने का जो प्रकल्प चल रहा है यह उचित नहीं है। मैं एक संकेत करना आवश्यक समझता हूँ कि मुस्लिम तंत्र भविष्य में जो विचारक सिद्ध होंगे उनकी दृष्टि में आतंकवाद और अराजकता को प्रश्रय देने वाले आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाला सिद्ध होगा, इससे मुस्लिम तंत्र का इतिहास विकृत होगा। ऐसी स्थिति में मेरी दृष्टि में यह एक विभाजन और आतंकवाद को प्रश्रय देने का नवीन अभियान है। इस संदर्भ में 2-4 वाक्य कहना मैं उचित समझता हूँ। अंग्रेजों की यह कूटनीति चली गई भारत में, स्वतंत्र भारत में विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाया गया, जिसके फलस्वरूप गोवंश, गंगा, सती आदि जितने हमारे सनातन सर्वहितप्रद मानबिंदु थे सबको विकृत कर दिया गया, विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया, यहाँ तक अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया। विश्व स्तर पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाकर कि ऊर्जा के स्रोत चाहे आस्तिक सम्मत हो चाहे नास्तिक सम्मत, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन चारों विकृत हैं, अत्यंत क्षुद्ध और कुपित हैं। अब ये जो नया आयाम चला विकास के चपेट में, हमारे सकल प्रशस्त मान बिंदु विकृत हो गए, विलुप्त हो गए, अब एक नया भाईचारा, एकता, सौहार्द के चपेट में आकर अयोध्या की जो स्थिति होने वाली है कुछ दूर पे सही, वही स्थिति मथुरा की हो सकती है, वही स्थिति वाराणसी की हो सकती है। कल कोई तंत्र यह भी कह सकता है कि सोमनाथ में भी उस स्थिति की पुनरावृत्ति हो, तो भारत में नए विभाजन के प्रकल्पों का तांता लग जाएगा। अतः मेरी दृष्टि में यह निर्णय अभिशाप है, मानवता के लिए कलंक है और सौहार्द के नाम पर हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने वाला षड्यंत्र है। जनता भावुक है और जो राजनेता लोग हैं विविध पार्टियों के, केंद्र का शासन तंत्र है, वह वोट बैंक के अधीन है, अदूरदर्शी है, सत्ता लोलुप है। ऐसी स्थिति में मैं संकेत करना चाहता हूँ कि पुनः विचार होना चाहिए इस निर्णय पर। स्वतंत्रता कब मिली भारत को? विभाजन के बाद
विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में हमारे वक्षस्थल पर इस प्रकार के अभियान चलते रहे तो भारत तो कई टुकड़ों में और विभक्त होगा। अतः मेरे वक्तव्य का सारांश यह है, अराजक तत्व को उसके द्वारा ख्यापित आतंकवाद को महिमामंडित करना किसी भी तंत्र के लिए उचित नहीं है, घातक है। साथ ही साथ भारत के विभाजन का एक नया अभियान है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, भावुक लोग साथ भी दे रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रकार से रो रहा हूं। और जब लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इस प्रकार का निर्णय आया था उस समय भी मैं कष्ट में था। एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए, चार शंकराचार्य हैं, चार कुंभस्थल हैं, एक एक शंकराचार्य की सीमा में एक एक कुंभस्थल है। इस दृष्टि से विचार करें तो गोवर्धन मठ पूरी पीठ की सीमा में ही अयोध्या प्राप्त है। इतना ही नहीं, नरसिंह राव का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ढांचा टूटने के बाद कांग्रेस को श्रेय देने की भावना से रामालय ट्रस्ट बनवाया, उसमें मेरे अतिरिक्त माननीय शंकराचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया बड़े चाव भाव से। उसका लक्ष्य ये था कि नरसिंह राव को एक बार और अवसर दिया जाए कांग्रेस के माध्यम से शासन करने का। और कालांतर में मंदिर तो बने लेकिन आसपास अगल बगल मस्जिद भी बने, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। अगर मेरा हस्ताक्षर न करना महत्वपूर्ण नहीं होता तो विश्व स्तर पर मुझे बदनाम किया जा सकता था या मेरी उपेक्षा की जा सकती थी, मैं मुर्दाबाद वाला तो व्यक्ति हूँ नहीं। लेकिन क्या कारण था कि मेरे हस्ताक्षर न करने पर नरसिंह राव चाहते हुए भी, उनके समर्थक धर्माचार्य कहे जाने वाले चाहते हुए भी मंदिर और मस्जिद नहीं बना सके? कोई बात तो होगी, मेरे कथन में कोई दम तो रहा होगा। यद्यपि नरसिंह राव का हृदय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नहीं था कि वे मंदिर ही बनवा देते। आगे नरसिंह राव चुनाव में हारे, क्यों हारे अंतरंग रहस्य है। भाजपा की सरकार आई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, दिल्ली में मैं था उन दिनों, शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों सांसद भी थे जो सिनेमा के एक्टर हैं, अब इधर उधर किसी और पार्टी की ओर हैं, वो बात दूसरी है। उनको श्री राम जन्मभूमि का प्रभारी बनाया वाजपेयी जी ने। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पास आए, उन्होंने केवल वाजपेयी जी का एक वाक्य में संदेश दिया, वाजपेयी जी की भावना है कि माननीय शंकराचार्य महाभाग मंदिर के साथ मस्जिद बन जाने की भी अनुमति दे दें। मैंने कहा देश के हित में नहीं। तो वाजपेयी जी चाहते हुए भी जो करना चाहते नहीं कर सके, अगर मेरा पक्ष दुर्बल होता तो मेरी उपेक्षा कर देते, मैं तो मुर्दाबाद वाला नहीं हूँ। तो मैंने एक संकेत किया कि आज जो राम जी तंबू में हैं, इसके कारण बाहरी दृष्टि से विचार करें किसी मनुष्य को अगर श्रेय जाता हो तो मेरे हस्ताक्षर न करने के कारण, तो मेरे क्षेत्र में अयोध्या है। एक मुझे व्यक्तित्व की बात नहीं है, लेकिन मानवता तो मानवता है, इतिहास तो अपनी जगह पर है। क्या शासन तंत्र का, न्यायालय तंत्र का यह दायित्व तो नहीं था कि मुझसे संपर्क करते? और आध्यात्मिक क्षेत्र का तो न्यायाधीश मैं हूँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है, कटक हाई कोर्ट ने जो श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर, रथ यात्रा को लेकर मेरे निर्णय पर किसी ने शिकायत की तो निर्णय दिया था, शंकराचार्य धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट क्या होते हैं न्यायाधीश, उनके निर्णय में संशोधन परिवर्धन का या उसे उपेक्षित करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पद का ही नहीं, नाम का उल्लेख करके श्री जगन्नाथ मंदिर के संबंध में यह निर्णय दिया है कि उनका जो कथन है वो शासन तंत्र को मान्य होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि आध्यात्मिक विषय होने के कारण एक, हमारे क्षेत्र में होने के कारण दो, हमारे हस्ताक्षर न करने के कारण यह समस्या है, नहीं तो उसी समय समस्या का समाधान हो गया होता, तीन। और चौथी बात है कि इससे मुस्लिम तंत्र, न्याय तंत्र और शासन तंत्र और हिंदुओं की भावुक जनता सब के सब ये आतंकवाद और आतंकवादी को महिमामंडित करने वाले सिद्ध होंगे, यह अनर्थ ना हो, पुनः इस पर विचार होने चाहिए। नारायण गुरुदेव,